शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या है? चिकने, डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी कर रहे हैं। अबे शाने, ये भीख नहीं मांग रहे, चंदा है। अपने कॉलेज का डीन है ना, हरामी। हरामी है डीन? हरामी, हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी, हरामी। उसको एक खास जगह पे कैंसर हुआ है। कौन सी जगह पे? अबे जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, कैंसर हुआ है। उसके लिए हम लोग सबसे 100-100 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं, चल डाल। एक्चुअली दादागिरी है ये, बट डालना चलना। ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये गलत है। ए, तेरी जेब से लिया क्या उसने? चल अंकल तू भी डाल, चल। ए देखिए, आप इनके मुंह मत लगिए, ये बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ मैं नहीं दूंगा, बड़ी मेहनत करके खेती बाड़ी करके मैंने ये पैसे कमाए हैं अपनी बहन की पढ़ाई के लिए, मैं क्यों दूं? चल रे, इसको साइड में लेके खर्चा पानी दे। अरे अंकल को मत मारिए, क्या कर रहे हैं आप? चल देखिए, मेरी खून पसीने की कमाई है, मैं नहीं दूंगा। कमाई सीने से लगा के रखेगा तो साले गीली हो जाएगी, पसीने की जगह तेरा खून निकालूंगा। पैसे निकाल। बिल्डर साहब, हेलो, ये लीजिए इनके पैसे, मैं देता हूँ, 200 रुपए हैं। डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डाल डब्बे में, डालो डालो डालो। क्या एक्टिंग करते यार तुम, है ना? कमाल है, पैसे ले इधर यार, थैंक यू। क्या हुआ? अंकल बोलता है, अंकल बोलता है, मैंने नहीं किया, नहीं किया ये था। तू क्या हंस रहा है बे? ज़बान तो चलती नहीं, हाथ बहुत चलते हैं तेरे। मैंने नहीं, इसने बोला था। मैंने क्या कहा? मैंने कब कहा? मैंने तो वही किया जैसा प्लान था यार, मैंने कुछ नहीं कहा यार, खामखा कुछ भी बोलता है यार तू। ए चड़ूदार मेरी, यार दारू के लिए पैसे देना यार। शर्म नहीं आती तुम्हें? जिस कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ उसी में मुझसे ये सब करवाते हो, कभी केमिस्ट्री लैब का सामान चोरी करवाते हो, कभी असेंबली हॉल के वो पंखे उतरवाते हो। उस दिन मुझे कॉलेज का प्रोफेसर बनाकर उस लड़की का नंबर लेने को कहा, बाद में वही लड़की कॉलेज की प्रोफेसर निकली, आज तक उसकी क्लास में बैठा नहीं हूं मैं, हंसो मत। और उस दिन भिखारी बनाकर कॉलेज के गेट के बाहर बिठा दिया, बोले दारू के पैसे नहीं है, तुम्हारी वजह से पूरी कॉलेज में बदनाम हो गया हूं मैं, हंसो मत। मैंने कहा तू अपना जिगरी है यार, दोस्ती में चलता है यार ये सब। अभी हम लोग तेरी जगह पे होते तो हम लोग भी यही करते हैं ना, खा के यही करते। और वैसे भी तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा तो कोई ठिकाना है नहीं, रूम भी मेरा ही इस्तेमाल करते हो, वो तो कॉलेज के डीन हरिचंद्र रामचंद्र मिरचंदानी का मैं होनहार स्टूडेंट हूँ, इसीलिए वो मेरी इज्जत करते हैं, वरना तुम्हारा पता नहीं कभी कॉलेज गए भी थे या नहीं। गए थे कॉलेज? अरे तूने भाई को बताया नहीं क्या कि भाई संजय दत्त लगता है यार, वही बॉडी, वही फेस कट, वास्तव का टीका। पॉसिबली भाई, मैंने राजू रानी से बात किया, अगली पिक्चर में आपको लॉन्च करा। लेकिन मेरे वो पैसे, करोड़ों की बात करो, आप छुट्टा जमा कर रहे हो, कैसी बातें करते हो यार, बड़ा चीप लगता है यार। वही पर्सनैलिटी आपकी, थोड़ी सी उसकी डायलॉग डिलीवरी अगर आप सीख जाए तो मजा आ जाएगा। डायलॉग जैसे ये सर्किट मेरे को जादू की झप्पी दे दो, हे सर्किट अपन को भी वो जादू की झप्पी देना। माय ब्लोइंग भाई 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 भाई, वो था ना वॉकिंग की स्टाइल वाइल बॉडी वाली, तो आपकी फर्स्ट क्लास है, वो सिखाओ मैं, बताओ बताओ, चले हट हट हट। हाँ ये नहीं, हीरो बन के स्टाइल में खड़े रहने का। नहीं यार क्या कर रहे हैं आप, ऐसे नहीं, एक पर्सनालिटी है यार, स्टाइल है, एकदम हीरो टाइप। गौर से देखना,
अबे चलना सिखा रहा है कि दौड़ना? ओए ओए अरे चूना लगा रहा है, पकड़ साले को। ओए ओ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अकेले हो? हाँ सर बिल्कुल अकेला। पार्टी पार्टी हो गई? मैं तो पढ़ाई कर रहा था सर, पार्टी नहीं। तुम्हें डॉक्टर बनना है ना? हाँ सर, कैंसर स्पेशलिस्ट। कैंसर स्पेशलिस्ट? जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट मुझे बताओ, मुझे कौन सी खास जगह पर कैंसर हुआ है? सर मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कैसे बता सकता? शट अप! तुम्हें लोगों ने उन स्टूडेंट्स को बताया कि मुझे कैंसर हुआ है, पर कैंसर के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। गरीब हो चुका हूँ मैं। हंस रहा हूँ नाला, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बच्चों की फीस छीन ली तुम लोगों ने है? सुबह से 500 SMS आ चुके हैं मुझे, जब से उन लोगों को पता चला है मुझे कैंसर हुआ है, 500 SMS आ चुके हैं। सर ये तो खुशी की बात है ना, कितने चाहने वाले आपके। शट अप शट अप। वो मुझे SMS इसलिए कर रहे हैं कि मरने से पहले मैं उनका कर्जा चुकता करूं। ये सब तुम लोगों ने फ्रॉड किया है, तुम ही लोगों ने किया है। नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर 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 आप तो जानते हैं मेरी माँ ने कैसे कैसे ख्वाब देखे मेरे लिए। सर प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा। अच्छा, प्लीज सर। तुम्हारी माँ ने ऐसे ख्वाब देखे हैं? क्या ये सर ह्यूमन रिसर्च? ह्यूमन रिसर्च का सब्जेक्ट है ना मेरा, इसलिए मैं इन सब चीजों पे थीसिस कर रहा हूँ सर। ह्यूमन रिसर्च है सर? ये नंगे चीथड़ों पे थीसिस लिख रहे हो तुम? ये अश्लील फोटो? नहीं 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 सर, वो दीवारों पर लिखा जाए इसलिए मैंने ये फोटोग्राफ। इसमें और कुछ नहीं है सर? दूसरा कुछ चिपका दे बेटा। सर और कुछ मिला नहीं सर वो। देखो लक्ष्मण बेटा, यू आर अ गुड बॉय, लेकिन उन तीनों बदमाशों को यहाँ पे एंटर नहीं होने देना। नहीं सर प्लीज, बिल्कुल नहीं। प्लीज बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। राइट सर, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। सर नहीं नहीं सर। ए चोर सर, पता नहीं ये लोग कौन है, ये मेरे साथ ही है। सर यू नो देम? तो तुम सब लोग यहीं पर ही हो। ये लीजिए, रूम का भाड़ा समझ के रख लीजिए, हर महीने दे देंगे। मुझे घूस दे रहे हो है? कितने साल हुए तुम लोगों को कॉलेज से निकाले? 10 साल। 10 10 साल हो गए फिर भी यहीं पर पड़े हो? सर सर सर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक स्कीम है मेरे पास, आप बैठिए। नहीं जी, बैठिए ना, छोड़ो। एक जिपो लाइटर खरीदने पर एक फ्लैट फ्री। कोई स्कीम नहीं चाहिए तुम लोगों की मुझे, पिछली बार भी ऐसी स्कीम दी थी। सर ये देखो, ऐसा एसी लाया हूँ कि जिंदगी भर इलेक्ट्रिक का बिल नहीं आएगा। एसी का अच्छा था लेकिन। चुप कर बेवकूफ, आज तक कर्जा लेके उसका बिल चुका रहा हूँ मैं। आप ए ए उ ए ई ओ आ उ ए ई ओ आओ आओ क्या आओ आओ आओ। सर सर ये बोल रहा है ए, हमको मालूम है कि आपका दिल रोजी मैडम पे आया और आज तक उसके बारे में हमने आपकी बीवी को खत नहीं लिखा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोशिश कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम लोगों को पुलिस के हवाले करूंगा। एक तो इल्लीगली यहाँ 10 साल से रह रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, पूरी जिंदगी जेल में कटेगी तुम्हारी। गेट आउट, गेट आउट। नाराज क्यों होते हो? तमीज से बोलो ना। गेट आउट। द्वारा नहीं। गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। देखो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। और इन तीन लफंगों को अंदर नहीं आने देना। दरवाजा बंद करके रखो। एब्सोल्युटली। ये लफंगे अंदर नहीं आने चाहिए। नहीं सर। गेट आउट। थैंक यू सर। सॉरी सर। थैंक यू सर। थैंक यू। गेट आउट, गेट आउट आई सेड। और अपनी मनुष्य शक्ल मुझे कभी नहीं दिखाना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगा एक एक को। गेट आउट आई सेड, गेट आउट। अरे एक तो मेरा बटवा चुराया, ऊपर से पेपर लिख किया, स्टूडेंट्स लोगों को 500-500 रुपए में बेचा, ये कह के कि 400 रुपया मेरा कट है, है? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बेशरम, नालायक, हलकट, मुझे गालियां भी नहीं आती। और ऊपर से कौन सी स्कीमें लेके आए थे मेरे पास है? सर ये लाइटर खरीदिए फ्लैट फ्री, सर ये टेलीफोन खरीदिए रेफ्रिजरेटर फ्री, सर ये एसी लगवाइए इलेक्ट्रिसिटी फ्री। अरे मैं क्या बेवकूफ हूँ? बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? अरे बेवकूफ भी छोटा वर्ड है तुम लोगों के लिए। मैं क्या, मुझे क्या वो समझ के रखा है? चुप चुप चुप, गेट आउट गेट आउट। अरे तुम लोग तो शनि से भी बदतर हो,
शनि भी 7.5 साल तक सर पे रहता है, तुम लोग तो 10-10 साल से सर पे हो मेरे। मुझे पागल कर दिया है, पागल हो गया हूँ मैं। अरे तुम लोगों की वजह से एसिडिटी हो चुकी है मुझे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रोजी मैडम से कहा ना तुमने, मैं टकला हो गया हूँ। हाँ मैं टकला हो गया हूँ, मैं टकला हो गया हूँ। क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम? मैं टकला हो गया हूँ, टकला हो गया सर। गेट आउट सर। एक नया स्कीम आया है, चड्डी पे गड्डी फ्री। इस पे नहीं गेट आउट। नाराज क्यों होते हो सर, तमीज से बोलो ना, चले जाएंगे। गेट आउट प्लीज, गेट आउट। बॉस बॉस बॉस, क्या भाई? सत्तू आया है। सत्तू समुंदर में टट्टू, सत्तू सुपारी आंडवने। हे सुपारी माय बॉर्न किलर, हाउ डू यू कम मैन? क्या कम होते होते बचाओ मैं, मालूम है? What? पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकते? दोन दे, चार बॉडीगार्ड कौन बताएगा? चार बॉडीगार्ड कहाँ से आए? फिर नारे लेके एम लेके मारते हैं कि ओलंपिक में जाए तो इंडिया का नाम रोशन कर दे। हाँ? इंडिया का नाम रोशन कर दे। अबे चिल्लाता क्या रोशन क्यों ला? क्या सोचता है मैं बहरा हूँ? Shut up! आगे आगे क्या सोचा है? क्या सोचा है? खोपड़ी का एक्शन निकाल लूंगा और पेन किलर ले लूंगा। पेन किलर ले लूंगा, जब बस वही कर, मैं कोई दूसरा प्रोफेशनल हायर कर लूंगा। गो। सत्तू सुपारी को और एक मौका दो प्लीज, अब की बार पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा। जाएगा? हाँ। तो जा। अरे ऐसे क्या चल रहा है? आपके पिछवाड़े कभी कील घुसा है? ना। तो आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते? मेरा दर्द तुम लोग नहीं समझ सकते, मैं चला। वो राइट साइड है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा डीप है। अबे रोकना यार अपनी ट्रॉली, बात तो सुन मेरी। नहीं मैं किसी की नहीं सुनने वाला। एक तो मुझे यहाँ फंसा दिया, ऊपर से खाना भी नहीं खाने देते। आज तो मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान देकर ही रहूंगा। हे लक्ष्मी, मेरे लक्ष्मण क्या कर रहा है यार? तू मर गया तो निरूपा रॉय का क्या होगा? निरूपा रॉय? अबे तेरी माँ को मैं निरूपा रॉय बोलूंगा ना, ऐश्वर्या राय तो नहीं बोलूंगा। अबे दो माले की बिल्डिंग है, गलती से बच गया तो रिपेयरिंग का खर्चा कितना आएगा मालूम? वैसे भी कड़की चल रही है। तू चुप बैठ, तेरी वजह से मैं भूखा मर रहा हूँ, और भूखे मरने से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। सुन, तू कितने तक गिनने वाला है? 3-2। ये शोले वाली सुसाइड नहीं है, सचमुच मरने वाला है। अंधेरा हो जाए तो साइड में जाके सुसु नहीं कर सकता, सुसाइड क्या करेगा? 2-3। तू मर गया तो मेरा क्या होगा? मेरी तो बोलती बंद हो जाएगी। और मेरी खामोशी तो म्यूजिकल की डबिंग कौन करेगा यार? तो चल तू भी चल, खामोश रहने से अच्छा है कि हमेशा के लिए खामोश हो जाए। मैं तो चला। ए लकी, तेरे पास टाइम है ना, एक काम कर मेरे लिए एक और भेल ले। क्या? कोल्ड ड्रिंक। मेरे लिए वड़ा पाव तीखा कम। अभी तू तो मरने वाला था। हाँ तो खा के मरूंगा, खाली पेट थोड़ी ना मरूंगा, एसिडिटी हो जाएगी ना। अप्पा हाँ, तू मर गया तो तेरी घड़ी मुझे दे देना। अबे तू अब अगर नहीं कूदा ना तो मैं ही तुझे धक्का दे दूंगा। क्या चलता ना यार, तू चैन से मरने भी नहीं देता। मरने के बाद चैन से ना, हर बार तेरी दादागिरी, नहीं मरता जा। मर गया बिना कूदे। यहाँ तो 3 ही चादर है यार। 3 नहीं तो यार, लेकिन हम लोग 4 लोग हैं। माइंड ब्लोइंग। 2 नहीं यार, 1। थैंक्स यार। लेकिन यार मुझे भी चादर चाहिए, मुझे नींद नहीं आती। अबे सोने के लिए चादर की नहीं, नींद की जरूरत है, सो जा। हीरो तो हिंदी फिल्म में सीधा कास्ट तोड़ के एंट्री करता है। आ, आ। मस्त आइडिया यार। कटेगा कौन? मैं। Come on!
गुस्से से देख रही हो या शक्ल ही ऐसी है? इज्जत बचाने का थैंक यू तो बोलो। और तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? हाँ, पूरे रिहर्सल का सत्यानाश करके रख दिया तुम लोगों ने। मतलब ये लोग आपका रेप नहीं कर रहे थे? ओ गॉड, नहीं, ये हमारे नाटक का थीम है। मैंने क्या किया? शर्म नहीं आती? ऐसी अफवाह फैलाते हो, ऐसी खूबसूरत, ऐसी मालदार खानदानी लड़की के बारे में शर्म आती है मुझे तुम जैसे लोगों पे। सॉरी मैडम, मैं माफी मांगता हूं। आप कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज भाई साहब, रेप कंटिन्यू कीजिए, प्लीज 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 जारी रखिए भाई साहब, प्लीज जाइए, आपकी बहन जी बुला रही है, जाइए। अच्छा यार, मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ, टेरेस पे घूम रहा था, अपने बर्तन सुखा रहा, सॉरी कपड़े सुखा रहा था मैं। ये नहीं, ये आया मेरे को बोला वहां पे एक लड़की है, चार पांच लड़के और लगे हुए हैं। मैं भी सोचा कोई म्यूजिक बजा के थोड़ी को रेप है होता है। I'm very sorry, this is not my fault. झूठा मक्कार। I'm sorry, really. मैं नहीं, मैं तो आया, ये मेरे को बोला, ये मुझे आके बोला कि वो सामने वाली आइटम पे कुछ लोग रेप कर रहे हैं, चल जाके मदद करते हैं, बचाने के लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़की के बारे में ऐसी बेकार बातें फैलाते हुए? ए, चुप रहो, भगवान ने तुमको जुबान दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहो। गेट आउट। तेरे को जाने के लिए बोल रही है, चल। I said get out. हम लोग जा रहे। Excuse me, madam. गलती तुम्हारी है। What do you mean? तुम्हारी एक्टिंग में इतनी सच्चाई थी कि हम अपने आप को तुम्हें बचाने से रोक नहीं पाए। कितना काम करवाता है गोपाल हमसे और खुद दादागिरी करके आराम करता है। ए! तुम दोनों चुप बैठे हो, इसलिए मैंने भी अपनी जबान बंद रखी है, वरना मैं या ओ। तुम लोग साले थकेले ना, धमकी देने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते। मेरी खोपड़ी सनकी ना तो दांत तोड़ दूंगा साले का मैं। तुम लोग हंस रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? सामने आने दे, उसको बोल दूंगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। और गोपाल, ये दो कमीने हैं ना, मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे, मालूम है? मानेगा तो मैं बर्तन नहीं दूंगा, बोल रहा हूँ। ठीक से साफ नहीं कर रहा क्या? ये देखिए गंदा है, चल फिर से साफ कर, चल 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 चल। दोनों तो अंधे, उनको क्या मालूम बर्तन साफ है गंदा है। ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। बच्चे का क्या कसूर? वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, गोपाल का कुछ करना? हाँ, लेकिन तू कर भी क्या सकता है? तू क्या कहना चाहता? मैं कुछ कर नहीं सकता। नहीं नहीं, कर सकता है, उसके आते ही उसके पैर पड़ सकता है, उसके सामने माफी का मुजरा कर सकता है। अबे बिना वॉल्यूम की टीवी, बहुत पकपक कर रहा है तू। ए, इसमें इसका क्या कसूर यार, गुस्सा उस पर उतारना। अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो। माँ का दूध तो मैंने पिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं साले को देखना। पहले पकड़ तो सही। अबे तू भी यार। हाँ, उस दिन गोपाल ने निराली के सामने तुझे बावर्ची का, तब भी तू चुप बैठा। हाँ, लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। उस दिन मैं चुप बैठा था, पता है क्यों? बावर्ची हिट हुई थी, पता है? उसका रीमेक कर करके कितने लोग हीरो नंबर वन हो गए, मतलब उसको छोड़ता नहीं, कसम से बता रहा हूँ। हाँ, पूरी रेस जीतने के बावजूद भी लड़की के सामने जीरो नंबर वन बन गया, लकी। लेकिन ये कर भी क्या सकता है यार। तू बहुत बोल रहा है, तू बहुत बोल रहा है। अरे सुन तो, छोड़ यार। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना क्या कर सकता हूं यार, मैं क्या कर सकता हूं? उसकी हड्डी पसली तोड़ के, दांत तोड़ के, उसको लंगड़ा बनाकर दिखा, अगर एक बाप की औलाद है तो। नहीं। क्या एक बाप की औलाद नहीं है? अरे नहीं।
नहीं यार, वो नहीं, ये तो 1980s की पिक्चर में होता है टांग वांग तोड़ना। मैं तो सलिया लूंगा, सर फोड़ दूंगा उसका, स्लो टॉर्चर चल जाती है। सच? यस। उतर गया बोतल में। ये गोंगे ने क्या बोला? नहीं नहीं, ये बोल रहा है तू जो कर रहा है सही कर रहा है एकदम। तो उसके सामने थोड़ी ना बोलते। देखना वो बच ना जाए। अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। तू हिम्मत दे रहा है, डरा रहा है मेरे को? नहीं नहीं, हिम्मत रख तू। तू देखना उसके सर पे ऐसा फटका मारूंगा ना, अंधा हो जाएगा वो, जिंदगी भर सॉरी सॉरी बोलता फिरेगा। सॉरी सर पड़ जाएगा उसका, देखना। अच्छा वो अंधा हो जाएगा, तू जेल चला जाएगा, इससे तो इंटरेस्ट नहीं है, निराली मेरी हो जाएगी। वो आ गया वो। मुझे अचानक याद आ रहा कि मुझे सुसू आ रही है। ठीक है बाथरूम में रेडी रखता हूँ, तू मार के तो आ। थैंक यू। हम है तेरे साथ, चल। अरे ये क्या किया तूने? लगता है जान से मार दिया तूने। जान से थोड़ी मारा, मैंने तो रॉड से मारा था। लेकिन तू तो सिर्फ अंधा करने वाला था ना उसे। ये तो अंधा पड़ा। कौन है? अबे भूत देखा क्या? पता नहीं। कौन है ये? क्या बोल रहा है ये? हाँ वो आज तो कुछ नहीं बोलेगा मेरे दोस्त। ओ, 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 ओ। ये बोल रहा है सिर्फ भूख लगी है। ये और ना ओत उ ब्रम ए ओइंग ए ओइंग ए ओइंग। चुप माया। ओ अबे तेरी माँ, वो किधर गया? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन था। दादाजी का कोई लफड़ा तो नहीं है? छी 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 छी, दादी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी यार। नहीं यार, दादाजी भी तो हो सकते हैं। हाँ लेकिन गोपाल तू बहुत अच्छा है, तुझे कोई रोड से नहीं मारेगा। तू चल मैं तुझे खाना खिलाता हूँ। खाना बनाया? पतला हो गया तू। मायो क्या लड़कियों को तेरा आंसू बहा रहा है यार, थोड़ी तो खुन्नस दिखा। अरे तू मर्द है कि नहीं? गोपाल ने तेरा इतना बड़ा मजाक उड़ाया, तू शांत बैठा है? तेरी माँ ने इसीलिए तुझे पढ़ाया लिखाया? सिर्फ पढ़ाया लिखाया, तुम लोगों ने एग्जाम्स कहाँ देनी थी? लेकिन प्यार के एग्जाम में तुझे खुला छोड़ा था ना, और तेरी लव स्टोरी बस पन्ने ही वाली थी कि बैंड बज गई। किसने बजाई? उसी कमीने ने। लेकिन निराली के सामने उसने तेरी भी तो। अरे मैंने फिर भी मोंटी की गाड़ी में छेद तो किया, तूने क्या किया? डांस। डांस थ्रू सिस्टम का वायर ही तो काटा तूने। मेरी अच्छाई का अच्छा फायदा उठाया उसने। सुन काट डाल, तू काट डाल वायर। इलेक्ट्रिशियन है तू? गोपाल को काट डाल। काटना वाटना मुझसे नहीं होगा। क्या काटना वाटना तुझसे नहीं होगा? उसने क्या क्या किया तेरे साथ वो याद नहीं है तुझे? तेरा कमरा छीन लिया उसने, और यहाँ आने के बाद तेरा खाना छीन लिया उसने। अरे खाना क्या, तेरा तो जीना छीन लिया यार उसने। तेरे से तेरी निराली भी छीन ली। करेक्ट। और वो रात याद है तुझे जब तेरे पास सोने के लिए चादर नहीं थी? कहाँ गई वो चादर? किसने ली? उसके वजह से गई चादर। मैं तेरी जगह पे होता ना, मैं उसके लिए कफन खरीदता था, कफन। तो आना मेरी जगह पे यार, मेरे पास तो जहर तक खरीदने के पैसे नहीं है। इतनी सी बात के लिए तू रो रहा है? इतनी सी बात? मैं हूं ना तेरा दोस्त, मैं तुझे पैसे दूंगा यार जहर के, सच्ची बता रहा हूं। हाँ हाँ तो ठीक है, चाय। हाँ कल सुबह की पहली चाय उसकी आखिरी चाय होगी। हाँ क्या कर रहे हो? डांस। ओ गोपाल। हाँ ए गोपू बोलना। गरम गरम चाय ला। पी लेना। हाँ जाना।
लोग कुत्ते की तरह मुझे घूर क्यों रहे हो? पहली बार मेरी शक्ल देखी क्या? आखिरी बार। क्यों? तू फिर से सुसाइड कर रहा है क्या? गोपू तू इतनी मेहनत मत कर यार, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, तू थोड़ी देर के लिए लेट जाना प्लीज। ए, फ्लॉप एक्टर। फ्लॉप एक्टर बोलने क्या जरूरत है? लेट हूँ या बैठू तुझे उससे क्या? बात तो बराबर है, तू लेटे या बैठे मुझे उससे क्या, लेकिन फाइनली तो तू लेट ही होने वाला है ना। लेट गोपाल। माधव उसे तंग मत कर। गोपू तू बता तुझे कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दो चूहे मेरे कान में चू चू कर रहे हैं। चू चू की आवाज सुनाई दे रही है। गोपू और क्या हो रहा है? बस यार एक बार निराली को प्रपोज मार दूं फिर बीवी बच्चे सब हो जाएंगे। तू निराली और बीवी बच्चों के बारे में मत सोच यार, मैं हूं ना। तू बता हेल्थ वाइज कैसा लग रहा है? हेल्थ वाइज? हेल्थ वाइज मुझे कुछ हो रहा है। मेरा दाहिना हाथ बहुत खुजा रहा है। सही है, फिर बायां पैर खुजाएगा, फिर दायां, फिर पूरी बॉडी सर से पैर तक। सही है। अबे खुजली वाले कुत्ते, जब मेरा दाहिना हाथ खुजाता है तो जानता है ना मैं क्या करता हूँ? खुजाता है? नहीं, सबको धोता हूँ। नहीं माधव मेरे भाई, हाथ मत उठाना। गोपू बस अब कुछ पल का ही मेहमान है। इधर आ चिरकुट। तू मार, तू मार, अगर तू मारते मारते जाना चाहता है मार। अबे इतनी जोर से क्यों मार रहा है यार? अबे क्या कर रहा है? दर्द की जगह है यार, क्या कर रहा है? अबे तू हर बात सीरियस क्यों ले लेता है? आओ क्या कर रहा है? आओ 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 आओ। अबे लक्ष्मण देखा क्या, क्या मारेगा ये? ऐसे तो हम लोग मर जाएंगे। अबे ज़्यादा मिला था, जल्दी मर था, मैं मर जाऊँ। समझ लो, सुबह से एड़ा बना रहे हो। चाय का कप मांगा, चाय सुनाई नहीं दी, खाली कप दे दियो। क्या हुआ? कौन है वो? ऐड नहीं है। लगता है इसने गोपाल को पिलाने वाली चाय हुआ। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि लक्ष्मण ने तेरे जो चाय बनाई उसके बाद तो वो आइस ले उसके बाद के लिए खास उसके बाद डालना और दालचीनी तो डालना ही है और लाल मिर्ची भी। चुप हो सकता है। चाय बना रहा है, पाया बना रहा है। गुड। हेलो हेलो, सुनो, मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। नहीं, वो पीछे से लगता होगा, मुझे पीछे से देखकर बहुत लोगों को आप जैसा ही लगता है। सुनो भाई, ए, अरे मेरी बात तो सुनो, मैं भेजता हूँ किसी को। किसको भेजोगे? अरे अरे तुम मेरी तरफ घूमती क्यों नहीं हो? नहीं, मैं तो घूम रहा हूँ लेकिन आप भी मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं ना, तो ओके 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 मैं घूमना बंद कर देता हूँ बस। लेकिन अपना मुंह क्यों नहीं दिखा रहे हो मुझे? नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। क्या? हाँ, क्योंकि मैं बाप बनने वाला हूँ और मेरी शादी भी नहीं हुई। क्या? मैं चलता हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन जाते जाते ये तो बता जाओ कि सोमनाथ जी कहाँ गए हैं? वो मंदिर गए हैं। मंदिर गए हैं? अरे भाई तुम पूरे चेहरे को क्यों साबुन लगा रहे हो? पूरे चेहरे पे बाल आते हैं? कमाल, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं। अच्छा भाई बताओ, ये सोमनाथ जी वो भी दाढ़ी बनाने गए? कौन है भाई? जी मैं भिकी भाई कॉलेज का डीन हूँ, मुझे सोमनाथ जी से मिलना है। अच्छा अच्छा,
तू कभी सोमनाथ जी से मिला है? जी नहीं, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सिर्फ तारीफ सुनी है उनकी। मैं ही सोमनाथ हूँ, बोल। अच्छा, आओ फिर। लेकिन अभी अभी एक लड़के ने कहा कि आप मंदिर गए हुए हैं। वो मेरा नौकर है, मंदिर ही जा रहा था, वाइफ की टूटी हुई चप्पल टूट गई तो लौट आया। आपसे आपसे मिलके मैं बहुत धन्य हो गया। आप अंधे हैं? आहूं, क्या कर लेगा पे? कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सुन के बड़ा दुख हुआ मुझे। आपकी तारीफ बहुत सुनी है मैंने, बहुत तारीफ सुनी है। आप एयरफोर्स में थे, फिर रिटायरमेंट के बाद हमारी कॉलेज में प्राध्यापक हुए संस्कृत के। हमारी सारी कॉलेज आपसे बहुत प्यार करती है। ठीक है ठीक है, आप बैठ। थैंक यू। अबे संभाल के। क्या हुआ? टेबल है ना। आप सचमुच अंधे हैं? Can't you see? I can't see. I can see. I can see. वो घड़ी दिख रही है? हाँ हाँ दिख रही है। वो नहीं, ये अच्छा ये मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिखाई दे रही है। कितना बजा? 7:30। ग्यारह बजे। मुझे नहीं मालूम कि कितना बजा है। मुझे दिखाई दे रहा है। अब विश्वास हुआ कि मैं अंधा हूँ? नहीं मारिए मत सर, सर मारिए मत सर, मेरी बात सुनो। क्या काम था? एक्चुअली क्या है ना सर, हमारी कॉलेज के 50 साल पूरे हो रहे हैं ना, उसके लिए एक फंक्शन है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट करने के लिए आया हूँ सर। क्या क्या प्रोग्राम है? पहले पूजा का डांस है। पूजा कौन? पूजा कौन? पूजा पूजा अर्चना। लड़के अर्चना तय कर ले पहले। कौन? नहीं सर, लड़की नहीं, पूजा, भगवान की पूजा होती है ना, वो जुचुआ गया तब डांस। उसके बाद आपकी देशभक्ति पर एक संस्कृत नाटिका थी ना, उसका मंचन है, मंचन है। उसके बाद वक्तृत्व। थूकता है, थूकता है ना लाए। वक्तृत्व स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा। ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट ना लाए, ब्यूटी कॉन्टेस्ट। मैं कमिटी को पूछ के बताता हूँ। कमिटी नहीं, मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए वरना। कौन है? लगता है बर्फ पड़ने वाली है। ओ नमस्ते माँ जी, आप भी अंधे हैं? आप भी अंधे हैं? मुझे क्या लगता है हम दोनों यहाँ पे वो ब्लैक ब्लैक खेल रहे हैं? हाँ? नहीं, मुझे लगा वो व्हाइट व्हाइट खेल रहे हैं। तेरे गले का पट्टा कहाँ गया? क्या वो दुख रहा था ना, इसलिए मैंने निकाल दिया वो। लेकिन आपको कैसे पता चला मैं गले में पट्टा पहनता हूँ? मुझे तेरी सारी हरकतें मालूम है। वो रोजी मैडम के साथ तेरा टाका भिड़ा है ना? मैं निकलता हूँ। निकलता पी के नहीं जाएगा? मैं नहीं पीता। नहीं पीता? अबे दिन में तो हम भी नहीं पीते। अच्छा। ये चाय की बात कर रही है। चाय? आप इतनी प्यार से कह रही हैं तो प्लीज प्लीज बना दीजिए ना चाय। शर्म, मैं अंधी होके चाय बनाऊंगी? कमीने, जा सबके लिए चाय बना, रसोई घर वहां पे। मुझे चाय बनाने नहीं आती। तो बैठा क्यों है? ठीक है ठीक है, मैं निकलता हूँ। वहां क्या भीख मांगने जा रहा है? बाहर जाने का रास्ता वहां है। वहां कहता हूँ। अच्छा, कहता हूँ। अबे कार्ड तो देखे जा, ये लीजिए। तू ये ले। नहीं, नहीं, ये बुक मुझे पढ़ने नहीं आती। लेना नहीं, लेना नहीं, बहुत मारते हैं आप लोग।